अस्सलाम वालेकुम, हेलो फूडीज, दिस इज मी वर्दा कलंत्री एंड यू आर वाचिंग दी कलंत्रीज। वेलकम टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी मज़े की होने वाली है, टेस्टी भी होने वाली है और बड़ी बजट फ्रेंडली भी होने वाली है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आपको पता है कि ईद बस आने ही वाली है। तो हम लेकर आए ईद के लिए ज़बरदस्ती बेहतरीन सी रेसिपीज। तो वीडियो को फॉलो कीजिए और ये मज़ेदार रेसिपीज बनाइए। तो ये मेरे पास 250 ग्राम आटा है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन हाथ से क्रश करके डाली है और 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें घी डाला है। फिर इसको अच्छे से आपने जो है ना मिक्स करना है कि जब आप हाथ में मैदा लें तो वो शेप भी इख्तियार कर ले और जब आप उसको तोड़ें तो आटा टूट भी जाए। फिर आपने बिल्कुल आराम से पानी ऐड करके थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है, देखें इस तरह से, ठीक है। आम जो रोटी का आटा होता है या हम जो आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा हो और उसका आपने अच्छे से डो बना लेना है, ठीक है जी। जब आटा गूंद लें उसके बाद किसी भी पेपर टॉवल को या कपड़े को अच्छे से गीला करके आटे को ढक दें जी। तो ये बॉयल आलू हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक, फूड कलर है, ठीक है। आप चाहें तो हल्दी ऐड कर सकते हैं, लहसुन पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, जीरा, कटा हुआ धनिया और ब्लैक पेपर, ठीक है। ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे, इन तमाम स्पाइसेस को जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है जी। अब साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अनारदाना, इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, साथ ही साथ बाइंडिंग लिस्ट में ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि जो है ना ये अच्छे से बाइंड हो जाए और जब हम समोसे बनाएं तो ये टूटे नहीं जी। तो हमारा जो आटा है वो रेस्ट कर चुका है। अब हम इसके अच्छे से फ्लैट एक रोटी बनानी है, बिल्कुल ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ रोटी इस तरह से बनाएं, ठीक है। तो जब आप रोटी बेल लें तो उसके बाद आपके पास 2 प्रोसेस हैं, या तो आप जैसे मैं पहले कटिंग कर रही हूँ इस तरह से कटिंग करके फिर फिलिंग उसमें ऐड करें, या तो फिर जितना आपने समोसे का साइज़ रखना है उस हिसाब से गैप से आप फिलिंग रख दें और फिर कटिंग करें, ठीक है। मुझे ये वाला मेथड ज़रा ईजी लगा तो मैंने वो करा। इस तरह से मसाला रख दें, फिलिंग रख दें, उसके बाद बिल्कुल ये समझे एक विसल नहीं होती हमारी, इस तरह की इसकी आपने शेप देनी है, ठीक। और इस तरह से ज़बरदस्त, चाहे तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा मोटा कर लें लेकिन थोड़े से बारीक या इस तरह की शेप के होंगे तो बेस्ट लगेंगे। अगेन ये मीडियम टू लो पे फ्राई होंगे ताकि अंदर से जो है वो उसकी मैदे की जो भी लेयर्स है ना, क्योंकि हमने इसको टर्न टर्न किया है तो वो अच्छे से पक जाए, ठीक है जी। मेरे पास 3 से 4 अदद बॉयल चॉप एग है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच मेयोनीज, 1 से 2 चम्मच हम ऐड कर देंगे चिल्ली गार्लिक। चिल्ली गार्लिक हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा वो सॉसी ना हो। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, ये फ्रेश जो है वो चॉप हुई हुई क्रश्ड हुई हुई ब्लैक पेपर है, इसका टेस्ट और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम ऐड कर देंगे ऑरिगानो। अच्छा जी, ये देखिए मैंने लास्ट रेसिपी बनाई थी उसका चिकन का बैटर मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वही ऐड किया। आप चाहें तो सिर्फ सिंपल या तो तंदूरी चिकन या टिक्का चिकन फ्लेवर देकर या नमक और ब्लैक पेपर के साथ भी चिकन बना सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्लब सैंडविच टाइप या सैंडविच टाइप बना रही हूँ तो आप देखिएगा भी कैसा अच्छा लगे। और इस तरह से जो है ना हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके एजेस ब्रेड के मैं कट कर दूँगी, ठीक है जी। तो अब हम असेंबलिंग करेंगे। आप चाहे तो नीचे चिकन की लेयर भी रख सकते हैं, चाहे तो नीचे एग की लेयर भी रख सकते हैं, मैं फर्स्ट एग की रखूँगी। अच्छा जी, ये पता है क्या, हमने इतना दोनों को सॉसी और क्रीमी रखा है कि हमें ड्राई ड्राई एक फील नहीं होगा, जो ड्राई ड्राई होता है ना क्लब सैंडविच, ऐसा हमें फील नहीं होगा। अब चिकन असेंबल कर देंगे। अच्छा जी, अब जो है ना मुझे सादा नहीं खाना था क्योंकि सूखी सूखी ब्रेड मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ज़रा सा इसको सिर्फ कलर चेंज करने तक या थोड़ा सा इस पर क्रिस्प आने तक इसे जो है वो फ्राई कर लिया बटर के साथ, और बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना वरना क्लब सैंडविच वाला टेस्ट चला जाएगा। जनाब, तो ये हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेसिपी, क्योंकि ये बगैर ब्रेड के, बगैर मैदे के, बगैर बन के इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है कि आप कहेंगे बहुत सारी है, इट मींस कि बहुत अच्छी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कप पानी लिया, पानी के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट,
पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर एंड पिंच ऑफ टर्मरिक, यानी चुटकी हल्दी, चुटकी नमक और चुटकी लाल मिर्च, और तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। फिर पानी को बॉयल आने दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पानी बॉयल हो जाए उसके बाद मैंने ऐड किया 1 कप सूजी। आपने क्या करना है कि सूजी को ज़रा हल्का हल्का ऐड करना है और अच्छे से उसको मिक्स करना है। हमें सूजी पकानी नहीं है, सिर्फ सूजी को मिक्स करना है सॉफ्ट होने तक। लेकिन इस तरह से मिक्स कीजिएगा कि उसमें कोई लम्स या गुठलियाँ नहीं रह जाए। ये ट्रिक है, ठीक है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद ढक कर रख देना है, फ्लेम आपने ऑफ कर देनी है। थोड़ा सा ये लिक्विड ही रहेगा लेकिन कोई मसला नहीं है, सूजी पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। आपकी जितनी ये क्लीन और क्लियर इसका टेक्सचर होगा ना, उतनी अच्छी आप इसको बना सकेंगे, इसकी लेयर को। आप क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कि बॉयल जो मेरे पोटैटोज़ हैं उन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। आपने पीसेस नहीं करने, कद्दूकस ही करना है। कद्दूकस करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिनमें मसाले हैं नमक, लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ मैंने ऐड कर दिए प्याज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मसाला जो है ना वो तेज़ रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम सूजी की लेयर देंगे वो आगे आपको पता चलेगा, तो क्या होगा कि वो मसाला फिर बैलेंस नहीं होगा अगर आप कम रखेंगे, ठीक है। फिर आप छोटे छोटे से सिलेंडर टाइप जो है वो आलू के बॉल्स या सिलेंडर टाइप बना लें, जिस तरह से मैंने बना के रखे। फिर हाथ में सूजी लें, अगर आप चाहते हैं तो किसी स्पून या किसी छोटी प्याली से, परफेक्ट मेजरमेंट के लिए जो है वो, ताकि एक साइज़ के आपके तमाम स्नैक्स बने वो रख लें, वरना अदरवाइज़ आप अपने अंदाजे से भी ले सकते हैं। अपने बिल्कुल फ्लैट करना है सूजी को, इस तरह से हाथ में पानी लगा लगा कर, ठीक। अगर सूजी कहीं मोटी रह गई, अगर आपकी कलाई मेरी तरह मोटी है तो फिर वो थोड़ी सी अगर नहीं फ्राई सही से हुई तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स इसको बनाने की हैं, जिससे आपकी ये स्टैक परफेक्ट बनेगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी बारीक लेयर से आप कंप्लीट उसे कवर कर सकें वो बेस्ट है, ठीक। फिर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप पकाएं और अच्छे से, ताकि जो है सूजी अंदर तक पक जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।